मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार ने सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को 8,000 रुपये, ITI उत्तीर्ण करने वालों को 8,500 रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वालों को 9,000 रुपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चला रही है। योजना के लिए आवेदक प्रक्रिया बीते माह जुलाई में शुरू की गई थी। अब तक लाखों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर अलग अलग कंपनियों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की सबसे बड़ी सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में बड़ी संख्या में युवा इस योजना के चलते ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में एक सप्ताह से चारों इकाइयों से लगातार विद्युत उत्पादक हो रहा है। यह परियोजना के विद्युत ग्रह 1 में 600 मेगावाट की 2 और विद्युत ग्रह 2 में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां संचालित है। इनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2,520 मेगावाट है। इसके पूर्व परियोजना ने मार्च 2019 में पूर्ण क्षमता से उत्पादन 2,520 मेगावाट का रिकॉर्ड बनाया था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के चलते ये बड़ी संख्या में युवा एक साल तक प्रशिक्षण लेंगे। इसी के साथ उन्हें हर माह निर्धारित मानदेय भी दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी सहायता मिल रही है। मैंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से। मैंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में फॉर्म भरा था, जिसके तहत मेरा सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में हुआ है, दोंगालिया में। यहाँ मैं सिविल इंजीनियरिंग के पद पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। एक साल की मेरी यहाँ ट्रेनिंग है, लेकिन मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि इसके बाद भी हमारे भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए इसके आगे भी कुछ हमारे लिए और अच्छा कुछ बेनिफिट मिले, जिससे कि हम और अच्छा काम कर सके और हमें सैलरी भी मिल रही है फिलहाल में, लेकिन आगे भी और अच्छा कुछ प्रमोशन वगैरह करने का, परमानेंट वगैरह करने का जो है सरकार सुनिश्चित। यहाँ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत और यहाँ पे मुझे बहुत कमाने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। एक साल के अंदर ट्रेनिंग होगी हमारी, फिर इसके एक साल के बाद हमारा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि एक साल के बाद हमें और कुछ आगे सुविधा या फिर कुछ अन्य इस स्तर पर रखा जाए।